हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूपी की फेमस रेसिपी। तो वीडियो पूरा देखिए, और आप अगर शहर में रहते हैं और आप नहीं बना पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बिना किसी सील बट्टे के भी आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका जो स्टफिंग है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने जो है यहाँ पे लिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही आपको बनाना है, जिससे कि आपकी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बनेगी। और उसके बाद यहाँ पे हमने डाला है 1 चम्मच जीरा, थोड़ा हरा मिर्च डाला है 1 मैंने। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे हींग, क्योंकि हम यहाँ पे जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो थोड़ी सी हैवी होती है। तो यहाँ पे मैंने जो है 2 कटोरी के लगभग मैंने लिया था चने की दाल, और चने की दाल को मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे चने की दाल को डाल दिया है तड़के में। उसके बाद इसको हमें भून लेना है। भूनने के बाद फिर हमें थोड़ा देर के लिए इस तरीके से भून लेने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमको इतना ऐड करना है, मैं आपको बता देती हूँ कितना ऐड करना है, ताकि आपकी जो जो डिश की जो स्टफिंग है वो एकदम परफेक्ट हो। तो यहाँ पे जितना बस थोड़ा सा दाल डूब जाए इतना ही आपको पानी डालना है। इतने में आपका परफेक्ट जो है रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये अच्छे से यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, और ये पकने में लगभग 10 से 15 मिनट आपको लगेगा। उसके बाद आप एक बार इसको दबा के चेक कर लें कि ये गल गया है दाल की नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें इस तरह से ले लेना है, और 1 चम्मच ले लेंगे, इससे दबा लेंगे। तो देखिए ये हो गया है। और आप जो है इसको अब थोड़ा सा फुल आँच करके जो पानी है उसको आपको जला लेना है। तो बस यहाँ पे आपका जो दाल है वो रेडी हो गया है। इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। तो उसके बाद फिर हम इसको जो है इसको पीसने के लिए, वैसे तो जो है सील बट्टे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको मैं इसको मिक्सी जार में आपको पीस के मैं दिखाऊंगी, एकदम अच्छा पीस जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है ठंडा होने के बाद, और इसको हमें जो है ना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा लेना है और हल्का हल्का मिक्सी को चलाना है, ताकि ये अच्छे से जो है ये पीस जाए, इसका जो है पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा हम स्पून की हेल्प से इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से पीस जाए, और यहाँ पे हम इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद सारे दाल को हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा हिला डुला के पीस रही हूँ, क्योंकि जो गांव में क्या होता है कि सील बट्टे का यूज किया जाता है, उससे ये बहुत अच्छे से इसका जो बेसन है वो रेडी होता है। और अब मैंने पीस के इसको एक थाली में ले लिया है। थाली में लेने के बाद इस तरीके से हमें अच्छे से मसल लेना है, ताकि अगर 1-2 दाने हों भी तो वो भी अच्छे से मैश हो जाएं, क्योंकि इतना अच्छे से नहीं जो है मैश होता है जितना कि अच्छे से सील बट्टे पे होता है। तो आप इस रेसिपी को आप किसी भी फेस्टिवल पे आप इसको बना के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। यहाँ पे डो भी मैंने रेडी कर दिया है। इसका डो जो है लूज होता है और हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर फट जाती है। अब हम इस तरीके से ऐसे गहरी सा इसमें बना लेंगे इस तरीके से, और इसमें बेसन को स्टफ़ कर देंगे, और फिर इस तरीके से हाथों की हेल्प से इसको मुंह को बंद करेंगे। आप चाहे तो इसके कचौरी बनाइए, पूरी बनाइए, पराठे बना लीजिए, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप जो है चटनी के साथ, गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ, कटहल की सब्ज़ी के साथ, जिसके साथ आप चाहें सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। ये है यूपी बिहार स्पेशल दाल भरी पूरी की रेसिपी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूले, ताकि आपको आने वाले न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ अपनी अगली